व्हाट्स अप गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। तो गाइस आज बताने जा रहे हैं कि आप चार्जिंग केबल से कैसे स्ट्रीम कर सकते हो बहुत इजीली। आपको दिखाएंगे सेटअप पे कनेक्ट करके, लाइक आप सिर्फ एक चार्जिंग केबल चाहिए आप लोगों को, सिर्फ फोन में अटैच करना है, उसके बाद डायरेक्टली आपका स्क्रीन मिरर करने लग जाएगा। अभी अटैच करके दिखाते हैं आपको डिवाइस। तो गाइस आपको सिंपली एक वायर कनेक्ट करना है आपके डिवाइस से, देन आपका स्क्रीन मिरर होना स्टार्ट हो जाएगा। सिर्फ एक एप्लीकेशन चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, ना तो आपको लाइक एलगाटो चाहिए 15-16 हज़ार रुपये का। आपको सिर्फ वायर कनेक्ट करना है अपना चार्जिंग केबल, और उसके बाद गाइस गेम मिरर होना स्टार्ट हो जाएगा। देखना आप विदाउट एनी लैग, मतलब कुछ भी लैग नहीं करता है, 4K वीडियो भी क्रिएट करेगा ये। तो आपको सब कुछ एक्सप्लेन करते हैं, अभी आपको पीसी के स्क्रीन पे लेके चलेंगे कि कैसे इंस्टॉल कर सकते हो आप इस एप्लीकेशन को। भाई इजी टू यूज़ है, आपको मतलब लाइक 15-16 हज़ार रुपये स्पेंड करने की ज़रूरत नहीं। आप सिर्फ एक वायर के थ्रू यहाँ पे इजी टू स्ट्रीम कर सकते हो। अभी आपको पीसी की तरफ लेके चलेंगे, जहाँ पे हम आपको बताएंगे कि कैसे डाउनलोड कर सकते हो डोवान को, सब कुछ बताने वाले हैं, फुल एक्सप्लेन करेंगे। ये देख सकते हो आप, गेम चल चुका है, लैग आप देख सकते हो, कुछ भी नहीं कर रहा है, मतलब जीरो लेटेंसी है गाइस, और साउंड भी बिल्कुल डिले नहीं करता है। आपका ब्लूटूथ में जरूर डिले कर जाएगा, बट इस एप्लीकेशन में साउंड बिल्कुल भी डिले नहीं करता है। तो गाइस ये था एप्लीकेशन, आपको बताते हैं पीसी पे कि कैसे आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। चलो गाइस पीसी की स्क्रीन पे चलते हैं। तो गाइस सिंपली आपको डोवान सर्च करना है गूगल पे, फर्स्ट नंबर पे साइट मिल जाएगी। उसके बाद आप लोग क्लासिक वर्जन या विंडो 64 में से कोई सा भी डाउनलोड कर सकते हो। गाइज बहुत इजी टू यूज सॉफ्टवेयर है, बट इस चीज का ध्यान रखना है गाइज, इसमें वाटरमार्क आएगा अगर आप इसको परचेस नहीं करते हो। क्रैक वर्जन है यार, फाइंड करने का ट्राई करना अगर आपको मिल जाता है। अब मेरे से लिंक मत मांगना, क्योंकि यार मेरे पास क्रैक वर्जन नहीं है, मेरे को स्पॉन्सरशिप करी हुई है डोवान ने। तो आप लोग गूगल पे ट्राई करना, कहीं ना कहीं से मिल ही जाएगा। आजकल मोस्टली जितने भी स्ट्रीमर्स हैं सब डोवान यूज़ कर रहे हैं। वो लोग यार वायरलेस यूज़ करते हैं क्योंकि कंफर्ट रहता है एक थोड़ा सा, बट उनका यार राउटर पास में रहता है, मेरा राउटर बहुत ही दूर है, तो इस चक्कर में अपन वायर से ही करते हैं। और वायर से मेरे को यार बिल्कुल प्यारा लगता है, कोई दिक्कत नहीं लगती। तो अपना वायर से कनेक्शन होता है, अब आपको मैं एक बार चला के दिखा देता हूँ। ये तो आपको सिंपली डाउनलोड करना है एंड रन कर देना है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। फर्स्ट टाइम जब आप डोवान पे डबल क्लिक करके स्टार्ट करोगे तो स्क्रीन मिरर क्विकली नहीं करेगा। पहली बार यार ड्राइवर्स डाउनलोड होते हैं सारे के सारे। पीसी रीस्टार्ट कर लेना एंड फोन को भी एक बार रीस्टार्ट कर लेना, फिर आपका स्क्रीन मिरर होना स्टार्ट हो जाएगा। कुछ भी नहीं करना होता है आपको, अपनी तरफ से कुछ नहीं करना है, सब ये ऑटोमेटिक होता है। आपको सिर्फ लॉग इन करना है अपने फोन को और स्क्रीन मिरर होना स्टार्ट हो जाएगा। अब सिंपली गाइज आप लोग आपका गेम चला के, मैं आपको अपना गेम चला के दिखा देता हूँ एक बार, कोई भी डिले नहीं होता है यहाँ पे। एंड साउंड भी आप अपने अकॉर्डिंग इंक्रीज कर सकते हो, मैं ऑलमोस्ट 400 पे रखता हूँ साउंड। आजकल यार मैंने जितने भी स्ट्रीमर्स देखे सभी ये यूज कर रहे हैं, तो आप लोग कर सकते हो। भाई 15-20 हज़ार का एलगाटो लोगे उससे कोई फायदा नहीं है, उसमें यार और भी बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। इसमें भाई मेरे को अभी तक कोई दिक्कत देखने को नहीं मिली, मैं 4-5 महीने से इससे भाई स्ट्रीम कर रहा हूँ। आप मेरी स्ट्रीम जाके देख सकते हो क्या क्वालिटी आती है। आप लोग इसमें फिल्टर्स भी ऐड कर सकते हो। गाइज लैग वैग का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है, ना आपका फोन लैग करता है, साथ में चार्जिंग चल रही होती है। एंड गाइज आपके पास ऑप्शन होगा सॉफ्टवेयर में, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि यार क्या क्या ऑप्शन आते हैं। लाइक सेटिंग्स बता देता हूँ पहले, बाद में दिखाऊंगा यार गेम प्ले। तो गाइस सिंपल है, जर्नल में आप लोग इसमें आप सेट कर सकते हो अपने हिसाब से। फुल स्क्रीन करोगे तो ऑटोमेटिक जब भी आप सॉफ्टवेयर को स्टार्ट करोगे ये फुल स्क्रीन हो जाएगा। बाकी भी आप देख सकते हो मेरे डिसेबल ही करे हुए हैं स्टार्टिंग से। एंड iOS के लिए अलग सेटिंग्स होती है और एंड्रॉयड डिवाइस के लिए अलग सेटिंग होती है। तो गाइस iOS में भाई मैं फास्ट चार्जिंग को डिसेबल करके रखता हूँ, उसका रीज़न है कि यार फोन ओवरहीट ना करे, तो यार उसको डिसेबल ही रहने देता हूँ। लाइक मैं 100% चार्ज पे स्ट्रीम करना स्टार्ट करता हूँ, और जब मैं यार स्ट्रीम ओवर करता हूँ ना 3-4 घंटे के बाद में, तो मेरा फोन का चार्जिंग 40% तक रहता है, डिक्रीज होता है बट 40 तक ही आता है। आप लोग 5-6 घंटे इजिली स्ट्रीम कर सकते हो। फास्ट चार्जिंग में आपका क्या है, चार्जिंग ड्रॉप नहीं होता है बट फोन हीट होना स्टार्ट हो जाता है। आप लोग यार डिसेबल ही रखना फास्ट चार्जिंग को। एंड इसमें गाइस कास्टिंग में ये ध्यान रखना कि आप लोगों को वीडियो प्लस ऑडियो पे ही रखना है, वरना अगर आप ओनली वीडियो पे रखोगे तो आपका स्क्रीन मिरर करेगा बट आपका ऑडियो नहीं, मतलब लाइक पीसी पे जाएगा। और रेजुलेशन पे आप लोग कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग कि आपका पीसी कितना एक्सेप्ट कर रहा है, जो भी है। FPS 60 रखने ही है आप लोगों को। बाकी गाइज iOS वायरलेस डिवाइस में मैंने 30 FPS रखे हुए, वो क्योंकि मैं यूज़ नहीं करता हूँ इसलिए उसको सेट नहीं करा हुआ। अगर आप वायरलेस यूज़ कर रहे हो देन उसको भी 60 FPS कर लेना, और उसके भी रेजुलेशन को इंक्रीज कर लेना, 920x1080 कर लेना। एंड्रॉयड डिवाइस के लिए गाइज मैंने सेट नहीं किया हुआ क्योंकि यार मेरे पास एंड्रॉयड है नहीं। आप लोग बाकी नॉर्मल सी सेटिंग से आप इसमें पढ़ के कर सकते हो, कुछ भी ऐसा नहीं है कि यार मतलब नेक्स्ट लेवल सेटिंग करनी है। बाकी आप इस सॉफ्टवेयर से रिकॉर्डिंग भी कर सकते हो, मैं बहुत बार रिकॉर्डिंग भी करता हूँ। कभी कभार क्या होता है यार, फ़ोन में रिकॉर्ड करो फिर पीसी में सेंड करो, डायरेक्ट ही पीसी में रिकॉर्ड कर लेता हूँ मैं। बाकी यार इसमें आप लोग हार्डवेयर वार्डवेयर चेक कर सकते हो मेरे पीसी में क्या क्या है, ये बाकी चीज़ें हैं। एडवांस में गाइस कुछ नहीं है, अपडेट आप यहाँ से कर सकते हो इसका, मैंने अभी तक करा नहीं, जब पहली बार करा था उसी के बाद अपडेट नहीं करा है मैंने इसको।
तो गाइज सिंपली ये था, और इसके सिवा अपन गेम प्ले दिखाते हैं एक बार, टीडीएम लगा लेते हैं फटाफट से गाइज। टीडीएम कहाँ गया, कहाँ गया टीडीएम, कहाँ गया, तो लगाते हैं गाइज टीडीएम। एंड आप लोग इसको फुल स्क्रीन भी कर सकते हैं, यहाँ पे आपको रिकॉर्डिंग का ऑप्शन भी मिल जाएगा, ये रहा रिकॉर्डिंग का ऑप्शन, आप रिकॉर्ड भी कर सकते हैं उसको, एंड ये रहा फुल स्क्रीन का। वैसे आप लोग वैसे भी इसको मिरर ही करोगे ओबीएस में, और ओबीएस में से ही स्ट्रीम करोगे, तो गाइज सिंपल रहेगा। उसका भी मैं बताता हूँ कैसे मिरर करना होता है, वैसे ओबीएस सबको आता है, बाकी यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे स्ट्रीम लैब ओबीएस के। अभी मेनली अपन दिखाएंगे कि लैग करता है या नहीं करता, बिल्कुल नहीं करता गाइज, लैग बहुत टाइम हो गया मेरे को खेलते हुए, एंड साउंड भी कोई डिले नहीं करता है। पहले क्या है, मैं ब्लूटूथ से खेलता था आईफोन में, उसका डिले करता है, बट इसका साउंड बिल्कुल भी डिले नहीं करता है, मतलब एक्यूरेट साउंड आता है। तो एक दो बंदे मार के दिखाते हैं, फिर ये बंदा पता नहीं कहाँ भाग गया, आगे चलते हैं। भाई बंदे हैं कहाँ पे, कहाँ हैं बंदे, ये छुपे पड़े हैं। तो गाइस हल्के बंदे आए हैं, बट कोई नहीं, फेलते हैं थोड़े बंदे, आपको दिखाते हैं, उससे आपको पता चल जाएगा कि यार लैग फ्री सीन रहता है। ओके देख रहे हो गाइस भाई का गेम प्ले, वो बात अलग है, हल्के बंदे, अभी ऐसे मत कहते ना कि सामने बंदे ही नहीं आए। तो कोई नहीं गाइस, आपको थोड़े बंदे और मार के दिखा देते हैं, जिससे लाइक आपको क्लियर हो जाएगा कि कोई लैग वैग का सीन ही नहीं होता है। बाकी आप इसमें जो कलर देख रहे हो, ये मैं थोड़े कलर करेक्शन करता हूँ स्ट्रीम के टाइम, अगर आप मेरी स्ट्रीमिंग जाके देखोगे तो वहाँ पे आपको कलर करेक्शन हुए हुए दिखेंगे गाइस। ये क्या चाह रहा है भाई, अपन मरते ही बंद कर दे। हाँ चलो गाइस, ये था सीन, आप लोग देख सकते हो, मतलब कोई लैग नहीं है, देख लिया होगा, बाकी आप मेरी स्ट्रीम देख लेना, लाइक मेरी स्ट्रीम मैं डेली करता हूँ 9 बजे से, आ जाया करो, थोड़ा सपोर्ट दिखाया करो भाई लोग स्ट्रीम पे भी। तो गाइज ये तो था सिंपल सा, अपन अब इसको कर देते हैं एग्जिट, आप लोग बाकी स्ट्रीम देख सकते हो, तो आपको वहाँ पे क्लियर पता चल जाएगा। एस्केप दबाओगे तो ये फुल स्क्रीन से हट जाएगा। तो गाइज ये था ओवरऑल सेटअप, बहुत ईजी टू यूज़ है, देखो सिंपल सी बात यह है कि यार बहुत ईजी है इसको यूज़ करना, इसमें कोई भी डिफिकल्टी आपको आनी नहीं है। मगर मेरे सजेशन ये रहेंगे गाइस कि पहले आप वाटरमार्क के साथ एक दो दिन स्ट्रीम करना, अगर आपको कंफर्ट लगता है कि भाई कोई कोई होते हैं जो इसको डायरेक्ट परचेज कर लेते हैं बिना स्ट्रीम करे, पहले यार एक दो दिन वाटरमार्क के साथ आप स्ट्रीम करो, अगर आपको लगता है कि यार बहुत तगड़ा सॉफ्टवेयर है, कोई भी दिक्कत नहीं आ रही है, देन यार परचेज करने की आप सोच सकते हो, अगर आपको क्रैक वर्जन नहीं मिल रहा है। भाई मेरे को आइडिया नहीं है क्रैक वर्जन कैसे मिलेगा, आप लोग गूगल पे ट्राई कर सकते हो, देख सकते हो, यार आपको मिल जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो डाउनलोड कर सकते हो। मगर यार इसके सिवा मेरे को कोई एप्लीकेशन और मिला नहीं जिसमें यार साउंड वाउंड का कोई दिक्कत नहीं आता हो, किसी भी एप्लीकेशन में कोई ना कोई दिक्कत तो आता है भाई, ये एक पहला एप्लीकेशन था जिसमें मेरे को अभी तक कोई भी दिक्कत नहीं आया। आप लोग रिकॉर्ड भी करोगे तो बहुत प्यारा रिकॉर्ड करेगा, एंड गाइस स्ट्रीमिंग क्वालिटी रियली, मतलब आप 2K तक रिकॉर्ड कर सकते हो इसमें और 2K तक स्ट्रीमिंग कर सकते हो। आपको थोड़े से फिल्टर्स ऐड करने पड़ते हैं पीसी में, लाइक आपको अब मैं बता देता हूँ स्ट्रीम लैब ओबीएस में क्या करना है। गाइस सिंपल है, आपको यहाँ पे सोर्स ऐड कर लेना है, मीडिया सोर्स करके अपना, आप लोगों को यार स्ट्रीम लैब ओबीएस तो देखो यूट्यूब पे जितना भी सर्च करोगे आपको मिल जाएगा वहाँ पे, मतलब बहुत ईजी होगा। आपको सिंपली यहाँ पे गाइज विंडो कैप्चर कर ले लें, विंडो कैप्चर या डिस्प्ले, नहीं विंडो कैप्चर ही करना है गाइज इसमें। अब आप मेरे पहले से डोवान है तो आप लोगों को वैसे अलग बताना है ना एक बार, तो इसमें सिंपल जाना है एंड इसमें जाके गाइज आईफोन डोवान करके आ रहा है, आप देखो गाइज यहाँ पे मिरर होना स्टार्ट हो चुका है मेरे। वैसे मैं अलग जगह मिरर करता हूँ, वो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, इसको तो डिलीट कर देता हूँ क्योंकि यहाँ पे स्क्रीन मिरर ही रखना है मेरे को गाइज। अब मेरा होता है गाइज मिररिंग, ये देखो गाइज मैंने ये सेटअप कर रखा है, आप लोग देख सकते हो मतलब क्या प्यारा सेटअप कर रखा है। इसमें मैंने फिल्टर्स भी ऐड कर रखे हैं, आप सिंपली मतलब अपने हिसाब से सेटअप कर सकते हो, जो भी आपको स्ट्रीमिंग करनी है किस सेटअप से, जो भी आपका नाम है वो चैनल का वो नीचे लगा सकते हो। अगर आपको इनकी भी डिटेल चाहिए कि यार ये ओवरले कैसे बनाना है एंड फिल्टर्स की भी डिटेल चाहिए, तो गाइज मैंने फिल्टर्स के लिए एक ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, आप लोग उस पर जाके चेक कर सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा कि यार कितना ब्राइटर लग रहा है आपका, वो मैं आपको यार डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, प्रोवाइड कर दूंगा, मैंने अभी अभी वीडियो बनाया था उसका, तो आप वो भी चेकआउट कर सकते हो। बाकी यही था यार इस वीडियो में, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो गाइज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर से करना यार, पूरी बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, लाइक के बटन पे दे मारो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, एंड अगर फिर भी कोई क्वेश्चन रहता है रिगार्डिंग सॉफ्टवेयर तो गाइज इंस्टाग्राम का लिंक इन डिस्क्रिप्शन, आप मेरे से बात कर सकते हो, वहाँ पे क्विकली रिप्लाई आ जाएंगे। बाकी कमेंट सेक्शन ओपन है, अगर कुछ भी क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में जाके दे मारो भाई, पक्का रिप्लाई आता है अपनी तरफ से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लाइक एम रखते हैं गाइस जिसपे यार 500 प्लस करा देना, मेरे को फुल उम्मीद है, पिछले वाले वीडियो में भी एक अच्छा खासा रिस्पांस था, करा दो यार फटाफट से 500 प्लस लाइक्स। और गाइस एक गिव अवे भी करने वाले हैं अपन कूलिंग फैन का,
आई थिंक वो मैं आपको अपडेट कर दूंगा, क्योंकि अपन वो यूज़ नहीं कर रहे हैं जिसने यार अपने पुराने वीडियो देखे हैं। अपने पास एक गेमिंग कूलिंग फैन है बट वो आज अभी अपन यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो मैं सोच रहा था यार अपने 20 के फैमिली पे गिव अवे कर देंगे, वो किसी भी एक बंदे को जो यार अपने रेगुलर स्ट्रीम पे भी रहता है, या देखते हैं किस हिसाब से गिव अवे करेंगे। तो चलिए गाइस ये वीडियो तो यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई भी क्वेश्चन हो इंस्टाग्राम पे आ सकते हो आप लोग, और कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो। चलो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए सभी को बाय बाय।